मैत्री को अगर समझना हो तो इस प्रकरण को ठीक ठीक देख लें। सुदामा मांगता नहीं, कृष्ण पूछ कर देते नहीं, जता कर देते नहीं, और दोनों ओर से मैत्री का इससे प्रगाढ़ उदाहरण नहीं मिल सकता। एक है जो कह रहा है मुझे मांगना ही नहीं, और दूसरा कह रहा है कि मुझे जताना ही नहीं, और इसमें कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, कोई ना छोटा है ना बड़ा है। एक कह रहा है मुझे मांगना ही नहीं, और दूसरा कह रहा है मुझे जताना ही नहीं। और हमारी दोस्ती कैसी होती है? दे भी कई बार हम देते हैं, देने से भी हम पीछे नहीं हटते। ऐसा भी नहीं है कि नहीं देते, दोस्तों कई बार देते भी हैं, पर जताने से नहीं चूकते। शब्दों से न भी जताएं तो मन में तो ये भाव रहता ही है कि दिया, मन में तो ये भाव रहता ही है कि दिया। यहां कृष्ण ने जितना सुदामा अपेक्षा कर सकता था उससे कई गुना दे दिया और जिक्र तक नहीं किया। जितना सुदामा की अपेक्षा हो सकती थी उससे कई गुना और जिक्र तक नहीं किया। और सुदामा कैसा कि भूखों मर रहा था पर मुंह खोल के कुछ मांगा नहीं, उसके लिए इतना ही बहुत था कि मित्र ने प्रेम से गले लगा लिया, उसके लिए इतना ही काफी था। तो ये मैत्री के दो पहलू हैं, दोनों एक ही चीजें हैं पर दो दिशाएं हैं मैत्री को देखने की। पहली, बिना मांगे उसमें सब कुछ मिल जाता है। पहली, बिना मांगे उसमें सब कुछ मिल जाता है, ये सुदामा की दिशा है। पहली, यदि मैत्री सच्ची है, और सच्ची मैत्री और प्रेम में कोई विशेष अंतर नहीं है, अगर सच्ची है तो उसमें बिना मांगे मिलेगा। मांग मांग के अगर मिल रहा है तो उसमें कुछ है नहीं, अगर सच्ची है तो उसमें बिना मांगे मिलेगा। आपकी कल्पना में जो है उससे अलग कुछ मिलेगा, आपने जो उम्मीद बांधी है उसके अनुरूप नहीं मिलेगा, उससे हटके कुछ मिलेगा। ये सुदामा की दिशा है मित्रता की या प्रेम की। और कृष्ण की क्या दिशा है? वो निर्बंध रूप से देगी, वो निर्बंध रूप से देगी, एक क्षण को सोचेगी नहीं कि कितना देना है, नाप तौल के देने का हिसाब नहीं होगा, जितना दे सकती है देगी। ले और ले, ले और ले। तूने तो इतना ही सोचा होगा कि इतना मिल जाए कि घर में छप्पर डलवा लूं, ले तेरे लिए एक आलिशान कोठी खड़ी कर दी। और गिनना नहीं है कि कभी सुदामा लौटाएगा या एहसान मानेगा, सुदामा वापस आएगा भी कि नहीं इसका भी कोई पता नहीं है, और जिक्र आता नहीं है कृष्ण के जीवन में। उसके बाद सुदामा का फिर कोई जिक्र नहीं आता। बड़ा मजेदार है कृष्ण का जीवन, जब किसी से संबंधित होते हैं तो ऐसे जैसे उसके अलावा कोई है ही नहीं, जब गोपी के साथ हैं तो गोपियों के अतिरिक्त कृष्ण के लिए कोई नहीं है, माँ के साथ हैं तो माँ के अलावा दुनिया खाली, बस माँ है, बस माँ, राधा तो बस राधा। जब अर्जुन के साथ गीता में है तो मजाल है कि कोई बीच में, और युद्ध का माहौल है, इधर उधर से हजार व्यवधान रहे होंगे, पर जब कृष्ण अर्जुन के साथ हैं तो बस अर्जुन के साथ हैं, बीच में इधर उधर कुछ नहीं। और जब सुदामा के साथ हैं तो बस सुदामा, उसके बाद सुदामा कोई अति पता नहीं, कहाँ गया, कौन, कुछ नहीं पता। स्टोरी करी थी जिसमें जुनैद और खिद्र था, कि वो जो खिद्र है वो ड्राइव कर रहा है जुनैद को, शायद यही नाम था जुनैद, और वो जहाँ जाता है उसके बाद उसके एक्सपीरियंस का कोई पता नहीं है, जहाँ अगली बार गया उनको पिछला नहीं पता, और वो उसको ड्राइव करता रहता था तुझे कहाँ जाना है, जैसे टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इन टू द वाइल्ड। समझ रहे हैं ना?
जहाँ पर ये तय करके दिया जाए कि इतना देना है, वो देना पूरा पूरा मन का खेल है, वो देना पूरा पूरा मन का खेल है, ठीक है। ये बात देखिए बिल्कुल ठीक है कि जब भी आप दोगे तो उसकी एक संख्या तो होगी ही, निर्बंध का मतलब नहीं है कि आप असीमित दे सकते हो, क्योंकि आपकी देने की क्षमता ही नहीं है असीमित, तो आप कैसे दे दोगे असीमित। बंध का मतलब ये है कि मन बंधा हुआ नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरी जितनी क्षमता है उतना भी दे सकता हूँ, अगर ऐसी स्थिति आ गई। स्थिति होगी तो मैं चूकूंगा नहीं, निर्बंध का ये अर्थ है, स्थिति अगर आएगी तो मुझे कमज़ोर नहीं पाएगी। निर्बंध का ये मतलब नहीं है कि फालतू ही अपने आप को दिए दिए फिरूंगा, और निर्बंध का ये मतलब भी नहीं है कि मैं अपने ऊपर सीमा लगा दूं कि 10% की सीमा है या 2% की सीमा है, ये सब कुछ नहीं। निर्बंध का ये भी मतलब है कि मैं इस बात के लिए मुक्त हूँ कि कुछ ना दूँ। निर्बंध का ये भी मतलब है कि मांग भी सकता हूँ, देना तो छोड़ दो, मैं मांगने के लिए भी निर्बंध हूँ, मुक्त हूँ। देने के बाद उसकी स्मृति भी ना रहे। हाँ, उसकी स्मृति भी मुझे बंधन में नहीं रख पाएगी, और मांगा तो फिर उसमें मैं एहसान भी नहीं मानूंगा अगर तूने दे दिया, ये बात भी है। मित्रता में अगर किसी से मिल गया तो एहसान भी नहीं मानना होता, अपनी ओर से तो नहीं अपेक्षा करनी होती। मित्रता का एहसान चुकाने का एक ही तरीका होता, मित्रता का एहसान ऐसे नहीं चुकाया जाता कि एहसान माना जाए, उसका एहसान चुकाने का एक ही तरीका होता है, क्या? एहसान मत चुकाओ, और गाढ़ी मित्रता। प्रेम अगर व्यापार है, प्रेम अगर व्यापार है तो उसमें लेन देन एक ही तरीके से किया जा सकता है, कैसे? और प्रेम दो और प्रेम मिलेगा भी, उसमें और कोई लेन देन नहीं हो सकता अगर वो व्यापार है तो भी। तो किसी ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे दोस्त है मेरा, उससे बहुत कुछ मिला और मुझे उसका एहसान चुकाना भी है, तो उसका एक ही तरीका है, वो दोस्ती और गहरी हो जाए। उसमें ये भी हो सकता है कि दोस्ती और गहरी हो गई तो मैं उससे और पाना भी शुरू कर दूं, ये भी एहसान ही चुक रहा है, बड़ी अजीब सी बात लगेगी, उससे मुझे कुछ मिला और मेरी दोस्ती का रंग और पक्का हो गया, ये भी हो सकता है कि और मिलने लग जाए। लेकिन जिस दिन अपेक्षा करी कि मिल जाएगा और, उस दिन आप भिखारी हो गए। अब ये दोस्ती में नहीं हो रहा, ये कुछ और चल रहा है। इसीलिए दान में वो कहते हैं कि जब आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि सर बीच में आ जाता है। बहुत बढ़िया, ये सब दान के बारे में बड़ी कुछ अच्छी कहानियां हैं। मेरे ख्याल अकबर के नवरत्नों में से कोई एक था जो हर साल अपनी पूरी जायदाद दान में दिया करता था, या तो तानसेन की बात है या बीरबल, इन दोनों में कोई है, पता नहीं, शायद अबुल फजल। तो वो जब देते थे दान तो सर झुका के देते थे लगातार, उनका ये रहता था कि जिसको दे रहे हैं उससे आंखें नहीं मिलनी चाहिए, जिसको दे रहा हूँ मैं उसको देखूँ भी नहीं, क्योंकि उन्हें मन का पता था, देख भी लूँगा अगर तो मन में ये ख्याल आ जाए शायद कि इसे दिया, इस पे एहसान किया, तो बिल्कुल ही ऐसे करके देते थे कि जानू भी ना कि किसको दिया। नहीं, अकबर के नवरत्नों में कोई एक था, उन्होंने ये अपनी प्रैक्टिस बना रखी थी हर साल सब दान देने की। ये रहीम का है, ये रहीम का है, रहीम और हाँ। तुलसीदास के बीच के डायलॉग्स भी हैं। हाँ, रहीम ही तो नवरत्न थे, और क्या, अब्दुल रहीम खान खाना नवरत्न थे। तो इसी तरीके से समुद्रगुप्त राजा हुआ है, वो भी साल में एक बार, वो और उसकी बहन दोनों अपना सब कुछ दान कर देते थे, सब कुछ ले जाओ,
कपड़े तक दे देते थे आखिर में, ये भी ले जाओ। देने का भाव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अहंकार पलता है एक्विजिशन पर कि मेरे पास कुछ है। जिसने देना सीख लिया वो पाएगा कि अहंकार भी दे दिया। आप जितना भंडार करोगे उतना उस भंडार से लिप्त भी होगे, जितना आप संचय करोगे उतना ही उस संचित सामग्री से संबंध भी जोड़ोगे, उतना ही उस संचित सामग्री संबंध भी जोड़ोगे। जीसस जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे जो खाली बैठे हैं वो मेरे प्रभु के राज्य में सबसे आगे होंगे, वो मामला यही है बिल्कुल। यहाँ सबसे पीछे कौन होता है? जिसके पास कुछ नहीं। पर जिसके पास कुछ नहीं उसके पास फिर क्या नहीं? अहंकार भी नहीं होगा, क्योंकि अहंकार को पलने के लिए कुछ तो चाहिए, या तो वस्तु या विचार, या वस्तु या विचार। और विचार बहुधा वस्तुओं से उठते हैं, तो वस्तुओं से मुक्त हो जाओ ये बड़ा अच्छा है। ध्यान आपको मुक्त करता है, समझिएगा बात को, ध्यान मुक्त करता है विचार से, और दान मुक्त करता है वस्तु से। तो जब ध्यान और दान एक साथ हो जाते हैं तो आप विचार और वस्तु दोनों से मुक्त हो जाते हैं। ध्यान किससे मुक्त कर देगा? विचार से। और दान किससे मुक्त कर देगा? वस्तु से। यही कारण है कि दुनिया के ज्यादातर धर्मों में दान की बात जरूर करी गई है। तो आपकी फेवरेट चीज़ है उसे दान कर दीजिए। हाँ, कृष्ण का बड़ा आसपास। हाँ, वस्तुएं हैं लेकिन विचार नहीं। कृष्ण के वस्तुएं उनके आसपास पूरे जीवन, पूरे जीवन में। हाँ, विचार नहीं है असल में। असल चीज़ तो विचार ही है, जिस चीज़ को छोड़ना है वो विचार ही है। वस्तुएं रही भी आ रही हैं, पर उन वस्तुओं से आप असंबंधित हो तो वस्तुओं में कोई बुराई नहीं। इस मामले में कबीर का एक दुआ भी है, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश, वे भी गए निराश। आपने फेसबुक पर डाला ना, सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज मनी। बुद्ध कहते हैं कि जब इकट्ठा हो जाए तो उसको दोनों हाथ उलीचो, वो नाव का रूपक देते हैं। कहते हैं ऐसे नाव में जब इकट्ठा होने लग जाता है क्या, तो उस नाव का क्या होता है? तो कहते हैं जितना तुम इकट्ठा कर रहे हो तुम्हारी नाव में इकट्ठा हो रहा है। नाव हल्की रखो तभी पार जाओगे। पार जाने का अर्थ मुक्त होना। कह रहे हैं अगर नाव से पार जाना है तो उस नाव को हल्का रखो, जैसे ही तुमने इकट्ठा किया नाव डूब जाएगी। दोनों हाथों से उलीचो, दोनों हाथों से उलीचो।